सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम साखी पाठ पढ़ेंगे और साखी के कवि है कबीरदास जी। तो आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या है 65, जिसमें कबीरदास जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म हुआ 1398 में और उनकी मृत्यु हुई 1518 में। हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है, उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम है। हिंदी जी हकल भक्त कवि बिलाकर वाणी आज प्रासंगिक है, हकलर माजर संत कबीरदास जी अन्यतम आसिल। प्रासंगिक अर्थात प्रसंग संबंधी, आरो प्रसंग अर्थ तो कि हल घनिष्ठ संबंध। उन्होंने आम जनता के बीच रहकर जनता की सरल सुबोध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्य रचना की। तहत साधारण जनता लगत থাকি তাহাতর জিবিলা ভাষা ব্যবহার কৰিছিল, সেই ভাষাৰে কবিতা লিখিছিল যাতে সাধারণ জনতাই সেই কবিতাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। आपकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है। आपकी कविताओं में अर्थात तखेतर कविता किया सिल भक्ति भाव आसिल, तार लगते किया सिल व्यवहारिक ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज दिसिले जाते मानव बिलाके तार पर किबा हिकी निजो जीवनों उपयोग करिबा पारे एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है और मानवतावादी दृष्टि तहत अवलम्बन करिसिल। आपकी कविताएं अपने समय में बड़ी लोकप्रिय थी। अपनार कविता अपनार समय बहुत लोकप्रिय आसिल। इसी लोकप्रियता को लक्षित करके असम भूमि के श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में लिखा है कि उड़ीसा वाराणसी इत्यादि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। शंकरदेव लिखी निज कीर्तन घोषार जे उड़ीसा वाराणसी आदि ठाई साधु संत जीवन आसिल ताहते कबीर द्वारा रचित गीत पदे गाइसिल। उड़ीसा वाराणसी ठावे ठावे कबीर गीत शिष्ट सवे गावे। महात्मा कबीरदास जी की रचनाएं अपने समय में भी लोकप्रिय थी, आज भी वे लोकप्रिय है और यह लोकप्रियता आगे भी बनी रहेगी। महात्मा कबीरदास जिकिने रचनावली आसिल तखेतर समय तो लोकप्रिय आसिल, आज लोकप्रिय और आगलयो लोकप्रिय থাকিব। कविताओं की तरह उनकी जीवन गाथा भी अत्यंत रोचक है। कविता बिलाकर निसनाय तखेतर जीवन गाथा अत्यंत रोचक। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से आपका जन्म हुआ था। एने को कुआ है जे स्वामी रामानंद आशीर्वाद सन 1398 सनत काशी एगराकी विधवा ब्राह्मणी गर्भ कबीरदास जन्म हुई। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। जी तो तार एगराकी विधवा ब्राह्मणी आसिल और ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी हो तार एटा पुत्र रत्न जन्म दिसिल, हे कारण लोक लज्जा कारण ताय की करिले हे दिव्य बच्चाटुक लहरतारा नामक स्थानर एटा तालाबर ऊरत एरि थै आहिल। वहाँ से गुजरते हुए नीलू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति को वह बालक मिला। हे फल दिया गई थका नीलू और नीमा नामक एगराकी मुसलमान दंपतिये हे बच्चाटुक पाले। ताहते कि व्यवहार करिसिले जुलाहा अर्थात कपड़ा बुनने वाला। खुदा का आशीर्वाद समझकर उन्होंने उस दिव्य बालक को गोद में उठा लिया। भगवान आशीर्वाद बोली भाभी ताहते हे दिव्य बालकक निजर कुशत लय लले। उन्होंने बालक का नाम रखा कबीर। तेलोके हे बच्चाटो नाम की राखिले कबीर और उसे पाल पोष कर बड़ा किया और हे बच्चाटो कहाते डांगर दीघल करिले।
कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा महान श्रेष्ठ। कबीर शब्द जो अर्थ की हल बड़ा महान और श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीर दास जी सचमुच बड़े संत श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने और हे तने का नाम अनुहारी है भविष्य कबीर दास जी एजन महान संत होल श्रेष्ठ भक्त होल और महान कवि होल। सन 1518 में मगहर स्थान में आपका देहावसान हुआ और सन 1518 सन तखेतर मगहर नाम स्थान तखेतर मृत्यु होइसिल। আজি কবিদাসৰ বিষয়ে ইমানে পঢ়িলোঁ। নেক্সট ক্লাছত এইখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে এবাৰ নিজে ঘৰত পঢ়ি চাবা, কিবা অসুবিধা পালে জনাবা। থেংক ইউ।